साइंटिस्ट या कोई क्रिएटिव आदमी इन्वेंट कैसे करते हैं? इस पे एक बड़ी बात बोली सदी के बड़े साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने। जब 85 की उम्र में वो बेड रिडन थे तो पूछा गया था कि आपके जिंदगी में आपने इतना सारा आविष्कार किया कैसे, इसके पीछे राज क्या है, आपका इंटेलिजेंस? तो टेस्ला ने जवाब दिया, वो आविष्कार करने वाला मेरा ब्रेन नहीं है, ब्रेन का काम है बॉडी को चलाना। जैसे हम दौड़ते हैं तो ब्रेन हार्ट को कमांड देता है, पैरों पे ब्लड फ्लो ज्यादा हो ताकि दौड़ने में मुझे ऊर्जा मिले। लेकिन कोई भी साइंटिफिक चीज को आविष्कार के लिए ब्रेन कमांड नहीं करता, ये शक्ति हमें ब्रह्मांड से प्राप्त होती है। ब्रह्मांड में एक एनर्जी है जो हमें दिशा दिखाती है। टेस्ला ने आगे बोला, मैं कुछ सोच के रात को सोता भी हूं तो सपने में अद्भुत चेंज आता है। उनको जब वो पेपर में लिखते हैं और दूसरे दिन लैब में वैसे भी एक्सपेरिमेंट करते थे तो एक नई चीज इन्वेंट हो जाती थी। कभी कभी नींद से उठकर लिखते भी नहीं थे लेकिन उनकी कॉपी लिखावट से भरी रहती थी। उनको लगता था कि उन्होंने शायद नींद में ही सब कुछ लिख दिया है। क्या बोलूं, ऐसा हो सकता है क्या? ये बात मैथमेटिशियन रामानुजन भी बोलते थे कि उनकी कुलदेवी सपनों में आती थी और उनको एक एक फॉर्मूला बताती थी और जवाब भी देती थी। रामानुजन के जितने सारे पेपर्स हैं जिसके ऊपर अभी भी इक्वेशंस बन रहे, वो अद्भुत है। रामानुजन सिर्फ प्रश्न लिखते थे और डायरेक्टली उसका जवाब लिखा मिलता था। बाकी जो इक्वेशन को सॉल्व करना था वो अभी दूसरे मैथमेटिशियंस कर रहे हैं। वो हम समझ नहीं पाए कि ये शक्ति क्या है जो सपनों में आके आपसे बोलती है और बड़े बड़े इन्वेंशंस करती है और बड़े बड़े इन्वेंशंस हो जाते हैं।